प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नाराज है ना मुझसे? कल की खरीदी हुई साड़ियाँ मैंने देखने के लिए मांगी नहीं, इसलिए नाराज है ना? जा जा लेके आ जा। अरे हाँ, सुबह से कबाड़ की चाबी नहीं मिल रही है। ये क्या? हाँ, ये नासपिटी तो यहाँ है। जा जा लेके आ जा ना बेटा, जा। वैसे तो जब देखो तब वड़का भरते रहते हैं, और आज प्यार की गागर छलक रही है, क्या करूं? क्या हुआ, दिखा साड़ी? हाँ हाँ, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं। हाँ तो अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ बाहर आराम से बैठिए, मैं एक एक साड़ी पहनकर आपको बताती हूँ, और उसके साथ उसकी मैचिंग चूड़िया, गहने, बिंदिया, लिपस्टिक, ये सब भी पहनकर बताती हूँ। एक मिनट, एक एक कर का मतलब कितनी साड़ी खरीदी है तूने? आठ। आठ साड़ी तू एक एक करके पहन के दिखाएगी तो दोपहर हो जाएगी भाई। अरे नहीं नहीं, दोपहर नहीं, शाम हो जाएगी। तो पहनू? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। अरे दया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुए? आप यहाँ? मैं यही रहता हूँ ना। वो पता है, पर जनरली आप 10:30 तक दुकान चले जाते हो ना? मैं कितने बजे दुकान जाता हूँ वो टाइम भी आपको याद है बबीता जी? नहीं नहीं, जनरली दुकानें इसी वक्त खुलती है ना, इसलिए। हाँ, वो भी है। और कल सोसाइटी की औरतों के साथ आप भी गए थे साड़ी खरीदने? हाँ। लेकिन आप साड़ी बहुत कम पहनते हैं नहीं? हाँ, फंक्शंस पे पहनती हूँ। हाँ, और हमारी सोसाइटी में फंक्शन तो बहुत होते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं? आओ, मैं आपको छोड़ दूं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ? मतलब आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूं, आइए।
कि पापा आप अभी तक दुकान नहीं गए? मैं बस दुकान जा ही रहा था कि बबीता जी ने रोक लिया। ओके भाई जेठा जी। ओके बाय। चला दया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ हेलो बोलो बोलो धीरेन भाई। मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ, मतलब अभी सोसाइटी के कंपाउंड तक पहुँचा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो एक काम करो, आप चेक इधर ही दे दो तो आपको दुकान तक धक्का नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, आप सोसाइटी के नजदीक आओ ना तो मुझे एक मिस कॉल दे देना, तो मैं नाके तक आ जाता हूँ। हाँ ओके ओके, चलो और 5-1 मिनट है। चलो जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। चलो जल्दी रोशन भाभी, अजनी भाभी, चलो चलो हम सब निकलते हैं। आप लोग 5 मिनट के बाद नीचे आइए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ हाँ जरा जल्दी जल्दी। अरे दया भाभी आप लोग नीचे उतरो जल्दी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, कल हम सब यहाँ से साड़ियाँ खरीद के गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। हाँ। आप लोग ने साड़ियाँ चेक की थी? हाँ, चेक करके ली थी। हमने चेक करके ली थी, पर तब साड़ी में डिफेक्ट नहीं था। हाँ। मतलब आप सबने साड़ियाँ चेक की थी? हाँ, भाई भी चेक की थी। हाँ। यहाँ सब साड़ियाँ बराबर थी है? हाँ, हाँ, मैंने भी की थी, बराबर अच्छी थी। और घर जाके सब डिफेक्टिव हो गयी? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग? ये सुबह सुबह बोने का टाइम है, चलो निकलो इधर से। अरे अरे हरी जोली, ये भाई तो कमाल के है, कल तो कितना मीठा मीठा बोल रहे थे। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ये आप अपनी ही दुकान समझना। तो अभी आपकी जुबान करले जैसे कड़वी क्यों हो गई? अरे दया भाभी, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, अपना काम खत्म होने के बाद मैं कौन और आप कौन? बराबर है, आप हमारी बात समझिए। आप लोग चिल्ला क्यों रहे? एक तो खराब बोल देते हो और ऊपर से बोलते हो कि चिल्लाते क्यों हो? सही बात है, 100 बात की एक बात भाई साहब, आप हमारी साड़ियाँ एक्सचेंज करके दीजिए बस। क्या साड़ी चेंज करके दो? ये नो एक्सचेंज का बोर्ड पढ़ा था आपने? नो रिफंड नो एक्सचेंज। अरे बोर्ड दिखाने का क्या मतलब है? हाँ? आप कुछ भी देंगे और हम लोग ले लेंगे? अरे कुछ भी दिया उसका मतलब क्या? आप लोग ने घर जाके साड़ी को क्या किया मुझे क्या मालूम? अरे अरे हम हमारी खरीदी हुई साड़ी को बिगाड़ेंगे क्यों? बोला जवाब दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ही साड़ी बदल दी है। हम लोगों को दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? अच्छा बोलता है बगा। आप लोग ने साड़ियाँ यहाँ से खरीदी उसका सबूत है आपके पास? अरे बिल दिखाइए चलो। एक मिनट, मैंने सामने से आपको कहा था कि हमें बिल दीजिए। आपने कहा था कि अरे आपकी दुकान है, विश्वास रखिए हम पे, आपने मुझे बिल नहीं दिया था। हाँ बराबर है। अरे आप ही ने कहा था कि जबान की भी कोई कीमत होती है। अरे ये सब मुझे नहीं पता, बिल हो तो बात करो, बिल कहाँ है, लाओ बिल दाओ। अरे तुम कहोगे और हम लोग फाइन जाएंगे। झूठड़ा जाओ, मैं दया टप्पू के पापा कड़ा तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी ये साड़ी की दुकान बगलू छड़िया की दुकान बन जाए।
क्या हो जाए? अरे पोग लूट चढ़ी हो, बाथरूम जाने के बाद पैर पोछते हैं ना वो। हाँ हाँ बराबर है। देखो आप लोग यहाँ से जाइए वरना नहीं जाएंगे। बोलो वरना क्या करोगे? क्या करोगे? मैं क्या कर लूंगा देखना है आपको। ओ फुलवा उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? निकल निकल ये सबको बाहर निकल। कुछ नहीं सुन रहा आप लोग, निकलिए यहाँ से। उनकी बात का वजन पड़ेगा और हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। नहीं रे बाबा नहीं, मैं बताऊंगी तुम सगले बोम्बा बोम। अरे उन्होंने पैसे देते वक्त ही मुझे कहा था, माधवी सोच समझ कर खर्चा करना। अब मैं उनको पता नहीं चाहूंगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी बाबा, मैं नहीं बता पाऊंगी। चिंता मत कीजिए बेटा। माधवी भाभी शांत हो जाइए, कोई ना कोई रास्ता निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ माधवी भाभी शांत। हाँ माधवी भाभी शांत। एक काम करती हूँ, मैं टप्पू के पापा को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। जल्दी करोगी? चिंता मत कीजिए। डिस्काउंट आनंद भाई हो अपना 10%। पंद्रह टिकट कर दो। अरे नहीं एक मिनट चालू रखो। नहीं 15% नहीं, इतना कमाने का नहीं होता आनंद भाई, बराबर 10%। सुन लगा कि नहीं? लग गया। हेलो टप्पू के पापा। दे बाद में फोन कर, मैं इधर एक पार्टी के साथ बैठा हूँ जरा। अरे सुनिए ना, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? पहले आप कसम खाया कि आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे भाई बोलना क्या हुआ जल्दी। सॉरी। ओके। अरे पूछे तो सही क्यों सॉरी कहा? अरे भाई रात को घर पे आऊंगा तभी बता देना सॉरी क्यों, ठीक है? अरे अरे देखिए बात यह है कि कल हमने साड़ियाँ ली थी ना वो खराब निकली है। अरे भाई मैंने तो पहले ही बोला था सेल में से साड़ी खरीदने का मुंह मत रखो। अरे हम लोग यहाँ साड़ी बदली करने के लिए ही आए हैं, लेकिन वो सेल वाला साड़ी बदली करने के लिए ना कह रहा है, तो आप जरा यहाँ पर आ जाइए ना प्लीज। दया मैं इधर पार्टी के साथ बैठा हूँ, मैं नहीं आ। तू अभी फोन रख, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अरे सुन रेबिन, टप्पू के पापा तो अभी बिजी है। शांत हो जाओ माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी प्लीज, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। कोई बात नहीं, मैं तारक को फोन करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। अंजलि भाभी जल्दी बुलाइए, जल्दी करो अंजलि भाभी प्लीज। हाँ हाँ करती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं तो सब आ जाएंगे, सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। हाँ अंजलि बोलो। तारक मुझे आपसे एक बात करनी है। तारक वो क्या है ना कि वो जो सेल में से साड़ियाँ ली थी ना वो साड़ियाँ खराब निकली। तो तुमने मुझे ऑफिस में ये बताने के लिए फोन किया कि तुम्हारी साड़ियाँ खराब निकली? सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी साड़ियों में कुछ ना कुछ खराबी है।
अंजलि, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि ये जितने सेल वाले लोग हैं, ये सब पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए इस तरह की सेल लगाते हैं, बोला था या नहीं? सुनिए, वो सब अभी छोड़िए ना, आप जल्दी यहाँ भाटियावाड़ी आ जाइए ना प्लीज। अरे क्या आ जाइए, मैं बहुत बिजी हूँ अंजलि, मैं नहीं आ सकता। अरे भाई 10 मिनट बाद मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, और तुम तो जानती हो ना वो कितना बड़ा हिटलर है, उसको क्या बोलूं कि मीटिंग में नहीं आ सकता सर, क्योंकि मुझे मेरी बीवी के साथ सेल में साड़ी एक्सचेंज कराने जाना है। अनक प्लीज आ जाइए ना, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या अंजलि, इस छोटी सी चीज के लिए मैं आ जाऊं? भाई तुम कब इंडिपेंडेंट बनोगे? आई नो यू आर इंडिपेंडेंट, तो फिर इस मुसीबत से खुद निपटो ना, उसने चीटिंग तुम्हारे साथ की है ना। यू कम आउट विद योर ओन आइडिया और अपने तरीके से उसे सबक सिखाओ, और कोई ऐसा आइडिया निकालो कि वो चीटिंग करना भूल जाए। तुम कर सकती हो अंजलि, यू डू इट, ऐसा एक्शन लो कि उसे समझ में आ जाए कि ऐसी चीटिंग जिंदगी में नहीं करे। ओके चलो बाय 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 बाय। क्या वो भी नहीं आ पाएंगे? अरे देवा, सगड़ा कठिन है, कठिन है, सगड़ा कठिन। सोचते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, पर करें क्या? हाँ, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो कितने लोगों के साथ गोलमाल करता रहेगा। सच्ची बात है। तो ठीक है, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके इसे सबक सिखाते हैं। गुड, जेल जाएगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो चलो पुलिस स्टेशन। गोकुल धाम की महिलाओं की आवाज गूंज चुकी है पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। असल में गोकुल धाम की महिलाओं की स्थिति कार की पिछली सीट पर बैठे हुए उस पैसेंजर की तरह है जिनकी ड्राइविंग सीट पर उनके पति बैठे हुए थे, लेकिन अभी स्थिति अलग है। इस परिस्थिति में पति ड्राइविंग सीट पे नहीं है, अब उन्हें खुद संभालनी होगी ये गाड़ी और चलानी होगी। वैसे एक बात तो है, अन्याय के खिलाफ इतनी आसानी से गोकुल धाम की महिलाएं हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा अपराध है। अब आपको क्या लगता है, क्या करेंगी वो, इस अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगी वो? वैसे बात तो ठीक है, धोखेबाज साड़ी वाले के खिलाफ इनकी लड़ाई तो बहुत जोरदार होने वाली है, लेकिन आप तो जानते ही हैं गोकुल धाम की महिलाएं हैं ये, इनकी कोई भी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती, इसलिए इसमें हंगामे तो बहुत होने वाले होंगे, और पति बिल्कुल साथ में नहीं है। वैसे पतियों की कोई गलती भी नहीं है, हमने तो साफ कह दिया था भाई सेल वाले के चक्कर में मत आओ, वहां धोखेबाजी ज्यादा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ हो गया है, अब वो लड़ाई लड़ेंगी मैं जानता हूं, लेकिन इस लड़ाई में होगा क्या अन्याय के खिलाफ, इस लड़ाई में क्या नारे गूंजेंगे या कुछ और होने वाला है? मैं कुछ भी नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि सत्य के लिए जो ये लड़ाई है इसमें जीत किसकी होती है, इस सेल वाले की या महिलाओं की? भाई जीत किसी की हो हार किसी की हो, लेकिन आपके लिए तय है खूब सारे ठहाके और इतने सारे हंगामे कि संभाले नहीं संभलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।